आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ खट्टे आम की चटनी, मीठी मीठी। ये एक कच्चा आम है गाइस, उसको हमने, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, इसको आज मेरी मम्मी बना के दिखाएंगी आपको, कच्चे आम की मीठी खट्टी मीठी चटनी। नमक भी होगा इसमें और मिठास भी होगी। तो देखिए, मम्मी ने एक आम को लिया है और इसको ऐसी कुछ केतली टाइप है, ये केतली आई मीन, तो उसको पानी में उबालने के लिए रख दिया है ढककर। तो जब तक ये उबलेगा अच्छे से, ताकि छिकलों से अच्छे से बाहर हो जाए, तब तक इसे मम्मी उबालेंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है गाइस, आपको जितने मैंगो लेने आप ले सकते हो। हमने एक बड़ा सा मैंगो लिया है, वो काफ़ी बड़े शेप का है, तो इसको मैं इसमें रख देती हूँ, ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ताकि ये अच्छे से छिकल से या गुठली से आराम से निकल सके। ठीक है गाइस, आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये गाइस लग रहा है ना चिराग, अभी इसमें से एक जिन बाहर निकलेगा। कि गाइस, ये है मैंगो कच्चा आम, ये पूरा एक बड़ा आम था जिसको उबालने के लिए रखा था, आपने देखा था ना, अब ये इतना उबल चुका है। इसके छिकल भी गाइस हमें चाहिए, इसके छिकल हमें फेंकने नहीं है, वो आम की चटनी में ही मिक्स हो जाएगा। बस जो ये आम अंदर अंदर का आपको दिख रहा है ना, ये इसको मुझे पीस लेना है थोड़ा सा, मैं सिल की मदद से इसे पीस लूँगी। ठीक है गाइस, और इसमें दो चीज़ें और लगेंगी, एक है ये लहसुन जो मैंने यहीं पे रखी हुई है, और दूसरा है मेन, वो है पुदीना। ठीक है गाइस, पुदीना, और अगर आपको हरी मिर्च डालनी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि आपको पता ही है मयू नानू के लिए हर चीज़ निकलती है, उन्हें ये भी पसंद है इसीलिए। ठीक है, इसके छिक्कल आपको फेंकने नहीं है, इसके छिक्कल भी यूज़ होंगे। ये बस हमें इसका जो अंदर का हिस्सा है, इसे हमें इसे निकाल लेना है आराम से। और दूसरा, इसमें नमक और हल्की सी हल्दी हमें डालनी पड़ेगी। अभी ये बहुत ही गर्म है गाइस, मैं इसे थोड़ा से निकाल के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं इस चटनी को पूरा पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, ये बहुत टेस्टी होती है, चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। गाइस, ये हैं वो सारी चीज़ें जो इस आम की चटनी में लगेंगे, वो है ये नमक स्वाद अनुसार आपको जितना चाहिए, और ये है लहसुन, और ये है अदरक, और ये है पुदीना जो इसमें मेन है, और दूसरा जो आम का गूदा है अंदर का, वो मैंने निकाल के कटोरी में रख लिया है, और इसके छिक्कल ये हैं, जो छिक्कल भी हमें चाहिए, हाँ छिक्कल हमें फेंकने नहीं है। तो ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, बाद में फिर मैं उसे इस चटनी में, ये जो है आम का गूदा जो है उसमें मिक्स कर दूँगी। ठीक है गाइस, मैं इसे पीस लेती हूँ। गाइस देखिए, चटनी आम की बिल्कुल रेडी हो गई है, ये कुछ ऐसी लग रही है, एकदम थिकी है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है, मैं इसको चख चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चटनी बनी गाइस। इसके साथ ना आप कितने सारे चावल खा सकते हैं, आपको पता है, ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें वो जो छिक्कल हैं आम के, वो भी मैंने इसमें ही डाले, उसको फेंका नहीं है। देखिए, ये देखिए है ना कितनी है, जब आप चटनी के साथ चावल खाएंगे ना, तो आप इसे इस छिक्कल को चूस चूस के फेंक सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप इसे खा भी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यम्मी चटनी है गाइस, सीरियसली। आज तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं, रेसिपी आपको अच्छी लगी है ना, तो इसमें भी आप बिलीव कीजिए, चटनी बहुत अच्छी है। चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ, इन्जॉय करते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करना गाइस। आप कमेंट करने में ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना आपको ये कैसी लगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।